डिबेट से एक्स मुस्लिम समीर भागा है या फिर आमिर हक, ये अब किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिन लोगों ने भी इनकी वीडियोज़ को देखा है उससे उनको अंदाज़ा हो गया होगा कि कौन अपनी बात से मुकर रहा है, किसने डिबेट के उसूलों के ख़िलाफ़ वर्जी की, बहाने पर बहाने कौन लगा रहा था। और डिबेट से बचने के लिए एक्स मुस्लिम समीर ने अपने फॉलोअर्स को झूठी तसल्ली भी दी और आमिर हक साहब पर ही इल्ज़ाम लगाए, लेकिन ये समीर को भी मालूम है कि दिल को खुश रखने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है, तो समीर ने खुद ही साबित कर दिया कि वो नहायत बद अखलाक, बद ज़ुबान और नहायत घटिया किरदार का हामिल शख्स है, और वो इस लायक ही नहीं है कि कोई शरीफ इंसान उनसे डिबेट करे, क्योंकि एक्स मुस्लिम समीर को बात करने तक की भी तमीज़ नहीं है और गुरूर और तकब्बुर उनके अंदर इस कदर कूट कूट कर भरा हुआ है कि इसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और अगर इनको डिबेट करनी ही नहीं थी तो इतना ड्रामा करने की क्या ज़रूरत थी।